नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई गल्फ देशों में रहने वाले, खास तौर से दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन। जी हाँ, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर दुबई के बारे में बात करेंगे। बाकी ये सेम पोजीशन सभी देशों पे लागू होती है। जी हाँ, कौन सी पोजीशन कि आप यार एक रूम में या फिर एक कंपनी में एक एक जगह पे काफी सारे लोग काम कर रहे हैं, एक साल से लेके पांच साल, सात साल, दस साल, पंद्रह साल से। जी हाँ, तो एक देखिए, आप अपने परिवार से ज्यादा समय उनके साथ रहते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ में, चाहे वो बिहार का, चाहे यूपी का, चाहे केरला का, मत कहीं का भी हो सकता है, लेकिन वो आपके ज्यादा नजदीक होता है घर की बजाय। क्योंकि आप दो साल एक साथ रहते हैं, घर आते हैं, दो तीन महीने रहते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, तो नजदीक का रिश्ता किसका ज्यादा बनता है आपको सबको पता है। और वहीं उस विश्वास में, दोस्ती में, प्यार में, रिश्तेदारी में या फिर जानकारी में एक ऐसा विश्वास अटूट बन जाता है कि हम उसके ऊपर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं और पैसों का लेन देन कर लेते हैं। जी हाँ, हम अपने साथी को पैसा उधार दे देते हैं, सबसे बड़ी बात यह है। और वो साथी ऐसा चीटिंग करता है कि सुबह सोते हैं तो पता लगता है कि वो बंदा इंडिया चला गया, पैसे लेके भाग गया। जी हाँ, अभी पिछले दो महीने में दो केस मेरे पास आए हैं। जी हाँ, और दोनों राजस्थान के बंदे, बता दूं मैं, आप यकीन नहीं करेंगे। एक बंदे का, राजस्थान का बंदा, उसका बिहार का बंदा पैसा लेके भाग गया। अब दूसरा बंदा, अभी देखो रिकॉर्डिंग चल रही थी, मैंने बातचीत की है, ये मेरी रिकॉर्डिंग है, मैं रिकॉर्डिंग सुनी फिर इनको आंसर दिए, लेकिन भाई डंडा हाथ डंडा डाल के पैसा निकालना भी जानते हैं, एक से निकलवा लिए दूसरे से भी निकलवा लेंगे। जी हाँ, हालांकि हम आगे इस पे बात करेंगे कि वीआई में रहते हुए आपके साथी को पैसे उधार दे देते हैं और वो पैसा उधार देने से मना कर देता है, वापस नहीं करता है, नाटक करता है। जी हाँ, तो आपके पास क्या कानूनी उपाय है? लड़ना नहीं है भाई, किसी को गाली देना, लड़ना, वो तो आप अपनी कमजोरी खुद कर लोगे तो आपको पैसे भी चले जाएंगे और आपके उल्टो ऊपर, आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। तो ये तो अपने को करना नहीं, अपने को लीगल एक्शन लेना है। वो कहते हैं ना कि तलवार से ज्यादा ताकत कलम में होती है। हाँ, उसमें थोड़ा, इसमें थोड़ा समय लग जाता है और उसमें अपन तुरंत आवार कर देते हैं, अगले को घायल कर देते हैं, बाद में अपने ऊपर ज्यादा दिक्कत आ जाती है। ऐसा तो हमें नहीं करना है। आप किसी की मदद करते हैं मजबूरी में, मजबूरी क्या होती है, मेरे घर में शादी है यार, तू पैसे उधार दे दे, मुझे मकान बनाने हैं, मुझे यार कर्जा है, एक काम कर तू मुझे 20-30 हजार दराम दे दे और मैं 6 महीने बाद तुझे दे दूंगा, इस तरह से, या फिर ब्याज पे लेके, या फिर हेल्प के तौर पे लोग दे देते हैं, चलो यार 2-3 महीने के लिए बरत ले, और वो बंदा चुपके से पीछे पूरी प्लानिंग होती है उसकी कि इससे 20-30-50 हजार दराम लेने हैं और उसको फुर हो जाना है। जी हाँ, ये वीडियो मुझे इसलिए बनाना पड़ा कि यार दो केस पिछले दो महीने में आए, आपके साथ भी कोई ऐसी स्थिति है तो जरूर मेरे से कॉन्टेक्ट करिए, पैसा निकाल लेंगे अगले से, प्रूफ होना चाहिए। अगर देखिए, हम दो टॉपिक पे बात करेंगे, अगर दुबई में आपने किसी ने पैसे उधार रखे हैं और दुबई में वीए में वो काम कर रहा है, वहीं पे है, फिर वो आपको पैसा नहीं दे रहा है, तब तो आपको क्या करना चाहिए, देखिए सबूत आपके पास होना चाहिए, उसका नाम पता, एड्रेस, उनका इमरेट्स आईडी, पासपोर्ट नंबर या फिर उनका एड्रेस पता, ये सब कुछ होना चाहिए। पैसे कब दिए, किसके सामने दिए, कितने पैसे दिए, ऑनलाइन आपके पास रिकॉर्ड है क्या, आपके पास व्हाट्सअप चैट है क्या, आपके पास उसकी ऑनलाइन रिकॉर्डिंग वॉइस है क्या, कोई वीडियो है क्या, ये सब कुछ आपके पास, उनका बैंक अकाउंट नंबर, उनका पासबुक, जिस कंपनी में वो काम कर रहा था वहाँ की रिकॉर्डिंग या फिर जहाँ उसका कोई रिकॉर्ड वगैरह, ये सब लेके उसका अग्रीमेंट, हस्ताक्षर किया हुआ कोई तो डॉक्यूमेंट, इतने सारे मैंने बताएं, कुछ तो होंगे ना भाई, ये पूरा सबूत लेके 1992 में, जी हाँ बता दूं, दुबई का जो कानून बना 1992 में, एक्ट 11 के अनुच्छेद 42 में प्रावधान किया गया, मामला दर्ज होगा उसके खिलाफ में। जी हाँ, उसके खिलाफ में सीधा सीधा मामला दर्ज होता है भाई। बाकी अगर बात करें तो दुबई का जो मोहरे है, जी हाँ मोहरे बोल सकते हैं या फिर कोर्ट बोल सकते हैं, 50,000 से नीचे तक का अगर आपका लेन देन है, 50,000 दुबई दराम से नीचे तक का, तो वहां पे एक निपटान केंद्र है, वहां पे आप उनके खिलाफ में शिकायत करवा सकते हैं। जी हाँ, लेकिन अनुच्छेद 42 के तहत ये कार्रवाई वहां पे होने वाली है। सबूत आपके पास होने चाहिए, जो मैंने बताए, इलेक्ट्रॉनिक सबूत आपको बता दिया, आपके मोबाइल में हो सकते हैं, वॉइस रिकॉर्ड हो सकती है, आपके पास गवाह हो सकते हैं, आपके पास उसकी लिखी हुई कोई अग्रीमेंट हो सकता है, कोई भी सबूत आपके पास है, वो सब बना के अदालत में आपको पेश करने पड़ेंगे। जी हाँ, पहला कानून ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है, पुलिस में शिकायत आप दर्ज करा सकते हैं कि उधार लिया हुआ पैसा वसूली करने का एक तरीका होता है। जी हाँ, यह दंड संहिता 1987 एक्ट 3 के तहत में, 404 के तहत में रिकवरी का होगा और डायरेक्ट पुलिस उसको सबूत, अगर आपका, आपकी बता दूं, आपकी शिकायत की, आपने केस किया, आपकी केस में इंक्वायरी में दम लगेगा पुलिस को, तो वो अरेस्ट हो जाएगा। जी हाँ, उसको जुर्माना भी देना पड़ेगा, आपका पैसा भी देना पड़ेगा। जी हाँ, लेकिन यह रिकॉर्ड आपको पेश करना पड़ेगा, ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं अशोक एलएलबी के 5 लाख मांगता हूं, एविडेंस तो होगा ना, मेरे से चैट हुई होगी व्हाट्सएप पे, लिखावट में कोई डॉक्यूमेंट, तो आपको देखिए दो ऑप्शन करने हैं भाई मेरी तरफ से। एक ऑप्शन तो दुबई में आपके रहते हुए कर देना,
करना है, चाहे वो बंदा दुबई में है या नहीं है, लेकिन पुलिस कंप्लेन करना जरूरी है रिकवरी का, कि वो कभी भी दोबारा अगर आए उसका पासपोर्ट नंबर उस थाने में है 100% आप उसके पीछे पड़ोगे ना तो उसको आप अरेस्ट करवा सकते हैं। जी हाँ, और दुबई में अरेस्ट होने का मतलब आप समझते हैं भैया पैसे दूर बाहर निकलो, समझ गए बात को। दूसरा राज, अगर इंडिया फिर भी बंदा अगर इंडिया में आ जाता है तो आपको लगता है तो आप अपने स्तर पे ट्राई कर लीजिए। इंडिया में आने पाते ये लोग इतने हरामी हो जाते हैं, पैसा लेके आते हैं ना तो वो फिर क्या होता है अपना मोबाइल नंबर चेंज कर देते हैं, कॉल रिसीव नहीं करना। अब उनको लगता है कि यार राजस्थान जयपुर का बंदा है और कहाँ केरला में, अभी दूसरा केस जो चल रहा है ना केरला का बंदा है 25,000 दुबई दराम लेके भाग गया, लेकिन उसको नहीं पता कि भाई तेरे पैसे आराम से तू देगा, हाथ जोड़ के देगा। ये बंदे के पास पूरे एविडेंस पड़े हैं, मुझे पूरे सबूत बंदे ने भेजे हैं और उसके हम निकाल लेंगे पैसा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसी चीजें अगर आपके पास हो तो दुबई में भी आपको मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए, और अगर इंडिया में फिर बंदा आ गया है तो इंडिया में पैसे कैसे निकालने हैं आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, पैसे आराम से देगा, हाथ जोड़ के देगा। सावधान रहिए, सतर्क रहिए भाई, ऐसे किसी पे विश्वास करके पैसा न दें आप, है ना। अब ठीक है, अब लाइजन बन जाते हैं, दोस्ती बन जाती है, विश्वास कर लेते हैं, लेकिन ये लोग इनका टारगेट इतना मोटा पैसा लेने का मतलब ये होता है कि ये भाग जाना, और उनको लगता है कि अब क्या है बंदा राजस्थान का है, हम केरला के हैदराबाद के बैठे हैं, कौन पैसा, अरे भाई पैसा तो दे दोगे आप, क्या बात करते हो, पैसा देना पड़ेगा आपको। ठीक है जी, बस ये अपडेट देनी थी, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।